आराम से मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका खैर मकदम में माहिलिया की नगरी में, और इंदौर मीडिया आपसे मुखातिब है। और पहला सवाल है, पदभार ग्रहण किया है आपने, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर? अभी डिटेल में तो सबसे बात करके पता चलेगा, लेकिन वैसे जो पेपर में पढ़ते आ रहे हैं उसके आधार पर सबसे पहली प्राथमिकता तो एडमिशन ही है, प्रवेश है, जो कि काफ़ी समय से रुका पड़ा है, और वो सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद एग्ज़ाम्स के रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करना, और तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है नेट का इंस्पेक्शन, जो कि हमें जैसे पता चला कि SSR सबमिट हो चुका है ऑलरेडी, तो बहुत जल्दी टीम के आने की संभावना है। मैडम, जैसा कि आपको पता लगा होगा यहाँ पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि देवी अहिल्या यानी DAV विश्वविद्यालय में फुटबाजी जो है वो बड़े परम सीमा पर है, उसको लेकर क्या रणनीति बनाकर आप आए हैं शिवाजी विश्वविद्यालय से? क्योंकि मैं किसी भी गुट से संबद्ध नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन आप सुना तो होगा आपने, नहीं तो सभी के बारे में सुनेंगे, और जो भी विश्वविद्यालय और छात्रों के हित में होगा वही काम हम करेंगे। एक सबसे बड़ा आज की तारीख में जो प्रश्न है, सवाल है, वो CET को लेकर है। एकमात्र अगर अभी फिलहाल जिस चीज पे सबसे ज्यादा, वही मैंने कहा मेरी सबसे पहली प्राथमिकता हो। तो कब तक निर्णय आ जाएगा? एक महीने से ज्यादा समय, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त तो किसी भी हालत में लास्ट डे होता है एडमिशन्स के लिए। तो सबसे कल ही हमने मीटिंग रखी है हेड्स की, और उसमें सबकी बातें सुनकर और सभी अधिकारियों से बात करके, और फिर उसके बाद सबसे बेस्ट जो विश्वविद्यालय के और छात्रों के हित में होगा। नेक की टीम के हिसाब से बताया, नेक आपकी प्रायोरिटी होगी, लेकिन नेक की टीम बहुत जल्दी वन मंथ आने वाली है, और अभी तैयारियों के लिहाज से DAV भी काफी पिछड़ा हुआ, पिछली बार एक वो तैयारियों का जरा अवलोकन करेंगे कैसी तैयारियां हैं, और अगर अभी ठीक नहीं होगा तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दें। आपकी प्राथमिकता और इसके अलावा ये सभी के विषय है जो वर्तमान, ये तो अभी तीन के हैं ही है, और बाकी तो शिक्षा का स्तर सुधारना जो भी है उसको और बढ़ाना, शोध और शिक्षा दो ही विश्वविद्यालय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। आपने कहा कुछ भी एक्सपेरिमेंट आप यहाँ करना चाहते हैं जी, ग्वालियर में आपने बहुत आप कुछ उसी कॉन्सेप्ट में इंदौर में भी आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? हाँ, करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। मैम, एक महिला होने के नाते किस तरह की चुनौतियाँ हैं? कुलपति का पद है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर है। धन्यवाद इसके लिए। हाँ, मुझे आभारी हूँ मैं सरकार और गवर्नर मैडम की, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस लायक उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं उस जिम्मेदारी के उनकी आशाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और मुझे भी खुशी है कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, जिनके नाम में ही एक उनका नाम है, अहिल्या देवी का नाम है, बचपन से उनके बारे में पढ़ते आ रहे थे, हम लोगों की कोर्स की किताबों में शामिल था, आज उसी विश्वविद्यालय में मुझे एक पद संभालने का मौका मिला, तो मैं बहुत आभारी हूँ भगवान की और सभी जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट किया उन सभी की, और आप लोगों की शुभकामनाओं की भी सभी की दरकार है, जिससे कि मैं इस जो भी मुझे असाइनमेंट मिला है इसको मैं अच्छी तरह पूरा कर सकूँ विश्वविद्यालय के हित में और छात्रों के। बतौर महिला, देखिए, एक पद पर आने के बाद तो महिला पुरुष का डिफरेंस रह नहीं जाता, जब एक बार हम इस पद पर आ गए तो और भी जब साथ के लोग जो पुरुष काम कर रहे हैं वही सब काम महिला को भी करने होते, इसलिए वो तो डिस्टिंग्विश वो अंतर नहीं है वहाँ पर, लेकिन ये है कि जो भी कार्य आएंगे, मतलब छात्रों नेताओं से सबसे मिलकर बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद सुलझाएंगे। आप सबकी मदद लेंगे, अधिकारियों की मदद लेंगे, टीचर्स की मदद लेंगे, और सबसे मिलके जो भी छात्रों का जो भी परेशानी होगी उनको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अधिकारियों को कक्ष में लगातार नजर आते हैं, बैठे रहते हैं, उन लोगों को लेके क्या प्लान आप करेंगे आगे? कहीं तो जमावड़ा लगा रहता है उनकी वही बात ना, उनकी बातें सुन लेंगे कि क्यों जमावड़ा लगा रहते, क्यों बैठे, क्यों उनकी बात पूरी नहीं हुई, क्या उनकी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई, उस पर उनसे बात करके चर्चा करके फिर हल निकालें। मतलब ये माना जाए कि बगैर किसी उद्र के छात्र यदि अधिकारी के कक्ष में होते हैं तो उन्हें वहाँ बैठने की अनुमति नहीं होगी आगे से? नहीं, अभी ऐसा हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, पहले उनसे बात तो करेंगे क्या समस्या है, क्यों बैठते हैं। वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, ये हम लोगों का एम रहेगा कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है
वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो जाए, वर्ल्ड लाने की पूरी कोशिश करें। मैम इंटरनेशनल स्टडी के लिए कोई प्रयास करेंगे या क्योंकि रिसर्च वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है? इंटरनेशनल स्टडीज से हम लोग एमओ यूज करेंगे, कुछ कुछ और पढ़ाएंगे उनका, कि इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलें, कुछ ये कोशिश रहेगी।